रायबरेली जिले में बछरावा थाने के टेरा गांव में बाजार से वापस आ रहे नानी व उसके नाते की सई नदी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के शव को गोताखोरों की मदद से कई घंटों के बाद नदी से बाहर निकाला गया। एक साथ हुई दो मौतों के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टेरा गांव के रहने वाला अशोक कुमार अपनी नानी रामकली के साथ बुधवार की सुबह 9 बजे के करीब साइकिल से उन्नाव जनपद के मवई खानपुर थाना मोरावा वृद्धा पेंशन के लिए निकलवाने के लिए बैंक गया था। बैंक से रुपए निकलवाने के बाद अशोक कुमार ने वहां बाजार से सब्जी व गृहस्थी का सामान खरीदा। इस दौरान शाम हो गई, बाजार में उसे गांव से ही सहोत्रन लाल मिले। उसने सहोत्रन को सामान का झोला देते हुए कहा कि नानी को दिखाई कम पड़ता है, इसलिए हम उनको पीछे से धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, यह झोला घर पर माँ को दे देना। सहोत्रन ने उसकी माँ राधा को झोला देते हुए कहा कि सई नदी के किनारे चली जाओ, तुम्हारी माँ व बेटा आ रहा होगा। यह सुनकर राधा सई नदी के किनारे पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह हैरत में पड़ गई। वहां पर उसकी माँ रामकली डूब चुकी थी। उसी को बचाने के चक्कर में उसका बेटा अशोक कुमार भी नानी को खोज रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी में दोनों लापता हो गए। यह देखकर राधा जोर जोर से चिल्लाते हुए गाँव की ओर भागी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटे के बाद रामकली का शव देर रात को निकाल लिया, परंतु अशोक कुमार का कहीं अता पता नहीं चला। फिर गोताखोरों को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद गुरुवार की सुबह 8 बजे के करीब पानी की गहराई में फंसे अशोक कुमार के शव को बाहर निकाला। शव पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बारे में थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि दोनों लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है, मामले की जांच की जा रही है। वहीं साई नदी पर पुल का निर्माण न होने से हुई दो हृदय विदारक मौतों से शासन के प्रति ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। जल्द ही साई नदी पर पुल का निर्माण न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब चुनाव आता है तभी नेताओं की नदी पर पुल बनवाने की याद आती है और हर बार छलावी वादा करके चले आते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि गाँव में दिखाई नहीं पड़ता। अयोध्या प्रसाद, अयोध्या कई बजे आपको मालूम चला कि दोनों लोग पानी में डूब चुके हैं? सर, हम तो मतलब निमंत्रण गए थे, वहाँ से सुबह जब आए तो सुबह हमें मालूम चला जी कि लड़का ही गांव का डूब गया है, फलाना नाम का है। तो हमारे पास आते आते हमारे प्रधान पहुँच गए गांव के कि भाई हम तुम्हारे पास आए हैं, आप नदी में डुब्बी लगा लेते हैं इसलिए आए हैं और लड़का डूब गया। तो हमने कहा ये जो लड़का डूबा है क्या ये तैर नहीं पाता था? जी नहीं, तैर पाता था। अच्छा, ये अपनी नानी को बचाने गया था? नानी को बचाने गया था। अच्छा, तो ये जब डूब गया तो सुबह जब हम आए तो प्रधान हमारे पास पहुंचे कि आप जो है नदी में डुब्बी लगा लेते हैं और चलिए। तो हमने कहा चलो आप खड़े रहेंगे तो हम लड़का निकाल देंगे। क्या अभी और कोई डूबा है? अभी नहीं मिला, और कोई नहीं। मदन कुमार है सर। मदन कुमार, बताओ ये घटना कैसे, कुछ क्या क्या जानते हो उसके बारे में? ये घटना सर, ये सुबह गए थे, 9-8-9 बजे गए थे। कौन गया था? ये लड़के की नानी और लड़का। लड़के की नानी क्या नाम है? उनका नाम है रामकली। राम, उम्र क्या रही लमसम? उम्र लमसम 70-75 साल। फिर क्या हुआ? ये लोग सुबह गए, वहाँ से वापसी में हो गए लेट। ठीक में ठीक उधर से आ रहे थे, मतलब साग सब्जी लेकर उधर सारा कुछ। तो एक लोग वहाँ पे मतलब पहुँचे तो उनका झोला वोला तो यहाँ घर में दिए। कौन पहुँचा वहाँ पर? गांव के ही एक सदस्य है। नाम बताइए। उनका नाम है हया। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने इनके घर पे संदेशा जब दिया है तो इनकी मतलब जो ये औरत जो खत्म हुई है, इनकी लड़की, ये गई उनको मतलब वहाँ से कि साथ में ले आएंगे। ठीक। तो मतलब कुछ वहाँ पे थोड़ा ये आगे हो गई और वो पीछे जो बूढ़ी औरत थी उनका पैर फिसल गया सर नदी में। तो उनको बचाने के चक्कर में इन्होंने भी मतलब बचाने के चक्कर में ये भी चली गई नदी के अंदर। जब वो जाने लगी तो इनका लड़का सर वो भी छाल मार दिया कि मतलब मैं अपनी मम्मी को बचा लूँ। तो इनके जो लड़का भी डूब गया और मतलब जो बूढ़ी औरत है वो भी नानी वो भी मतलब डूब गई और ये बेहोश हो गई थी। एक दूसरे के बचाने के चक्कर में ये बेहोश हो गई, पानी में ऐसे ही मतलब तैर रही थी। तो गाँव के दो चार लड़कों ने मिलकर इनको रस्सी काटा, वहीं खेत से रस्सी पकड़ाया तो निकाला सर। तो उसके बाद में ये डेड बॉडी मतलब जो नानी की है ये तो शाम को ही आ गई थी। ठीक। और लड़के की बॉडी मिली नहीं तो शरीर को सुबह निकाला गया। ओके, क्या नाम है आपका? राधा। राधा, राधा क्या हुआ है घटना, जो दो दो लोग डूब चुके हैं पानी में, कैसे क्या हुआ कुछ बताओ? बचाने की कोशिश में ये निकला। आप कई बजे आपको मालूम हुआ कि ये दोनों लोग डूब चुके हैं? हमको मालूम है, साथ है रहे। कितने समय ये जो बूढ़ी माँ है जो डूबी है ये पैसा निकालने कब गई थी, उसका समय बताइए? काल गई है 8-9 बजे सुबह। हाँ, उसके बाद जब शाम तक घर रही है तो आप लोगों ने पता नहीं लगाया कहाँ है वो? साथ ही आप उसके?
खानपुर तक का हम अच्छा देख लिया अपने बच्चे। तो इसको बचाने में आप भी पानी में कूदी थी? हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हमारा बच्चा जो हम पानी में डूब जाते रहे, हमारा बच्चा हमारे बचाने की कोशिश में मेरा बच्चा अच्छा बच्चा हमारे बचाने की कोशिश में मेरी मम्मी चली जा रही है। आपके पति हैं? नहीं यार। कब कब एक्सपायर हुए थे वो? साल भर साल से ज्यादा हो गए कम से कम। क्या करते थे वो? क्या करते हैं? मजदूरी। राम भरो। राम भरोसे जी, क्या हुआ ये दो दो लाशें जो पड़ी हुई हैं, कैसे क्या हुआ? मुंबई गई थी जी वो लड़का जो ये। इस लड़के क्या नाम है? इसका नाम है अशोक कुमार। क्या करने गया था मुंबई? पेंशन लेने गया। अच्छा कितने समय गया था ये? सवेरे के टाइम गए हैं, शाम को आ रहे थे वापस। तो ये पानी में कैसे डूब गए? ये चलते चलते पैर फिसला है इसका। इसकी कहाँ पर पैर फिसला इसका? नदी। नदी कहाँ है आपकी? ये है इधर। तो क्या नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है क्या? जी। अच्छा पुल नहीं है उस पे? नहीं सर। नाव लगती है। उसके बाद ये डूब गया, फिर क्या हुआ? फिर ये लड़का उसको बचाने के लिए ये भी कूद पड़ा। हाँ इसकी माँ। क्या ये लड़का तैर नहीं पाता था? नहीं। अच्छा अच्छा, ये दोनों लाशें कब आई? ये कब मालूम हुआ आपको कि दोनों लोग डूब चुके हैं? ये तो अभी आई। एक आदमी जो है बाबूलाल नाम का, वो वहाँ घाट पर थे, मतलब मौरावा नाव की रहने वाली है। उनके साथ इनकी इनका पोता अशोक कुमार, सन ऑफ राम लखन, डेरा बरौदा का रहने वाला है। उसकी पत्नी राधा थी। इनका पैर चूँकि रात्रि में लोग आ रहे थे फिसल गया, जिससे नदी में गिर गई। बचाने के लिए इनकी पोती राधा कूदी, वो तो निकल गई सुरक्षित तरीके से, परंतु इनका जो पोता था वो उसमें डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई और इनकी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।